हमारा एग्जाम्पल डॉम में टॉपिक है रिमूव एन एट्रीब्यूट नोड बाय नेम। तो हम देखेंगे किस तरह से आप एट्रीब्यूट को डिलीट कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम एग्जाम्पल के तमाम एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं कि एट्रीब्यूट, टेक्स्ट नोड, एलिमेंट नोड और यानी तमाम तरह की चीज़ों को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि किस तरह से अपडेट, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं एट्रीब्यूट को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो रिमूव एट्रीब्यूट मेथड रिमूव एन एट्रीब्यूट नोड बाय इट्स नेम। अगर हम रिमूव एट्रीब्यूट के नाम से एक फंक्शन है जिसमें हम उस एट्रीब्यूट का नाम पास कर दें, तो ये जहाँ पर भी वो एट्रीब्यूट होगा उसे ये डिलीट करेगा। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हमने एक और डेमो अरेंज किया है जिसका नाम है रिमूव एट्रीब्यूट डॉट एच टी एम एल। इस डेमो को देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं उस सेम एग्जाम्पल पे बुक्स डॉट एक्स एम एल पे, और किस तरह से हम उसमें से एट्रीब्यूट डिलीट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बुक्स डॉट एक्स एम एल। तो बुक्स डॉट एक्स एम एल में सबसे पहले रूट एलिमेंट है बुक स्टोर। बुक स्टोर में कंटेन मल्टीपल बुक्स, तो आप देख सकते हैं ये मल्टीपल बुक्स के लिए हमने मल्टीपल बुक टैग्स लगाए हुए हैं स्टार्टिंग और एंडिंग। जैसे ही हम स्टार्ट पे सेलेक्ट करते हैं एंडिंग खुद सेलेक्ट हो जाता है, तो इससे ये शो हो रहा है कि ये यहाँ पर स्टार्ट हो रही है बुक और यहाँ पर एंड हो रही है। इस बुक के अंदर आप देख सकते हैं कि फर्दर डिटेल एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कैटेगरी एक एट्रीब्यूट है और उसका एट्रीब्यूट है कुकिंग। इसके अंदर फर्दर चाइल्ड एलिमेंट है टाइटल, उसका एक एट्रीब्यूट है लैंग इंग्लिश, और इसके कंटेंट्स हैं एवरीडे इटालियन। और इसी तरह से आप देख सकते हैं बाकी ऑथर, ईयर और प्राइस में भी डाटा पड़ा हुआ है। तो इनफैक्ट ये बुक स्टोर जो है इसमें मल्टीपल बुक्स हैं और ये एक डिफरेंट स्टाइल की, यानी हर टैग जो है इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो मेंशन है, अगर नहीं एग्जिस्ट करे टेक्स्ट नोड इन टेक्स्ट डाटा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी प्रोवाइडेड है। तो अब हम देखते हैं रिमूव एट्रीब्यूट डॉट एच टी एम एल को, कि ये एक एच टी एम एल फाइल है, इसमें देख सकते हैं आप बॉडी का टैग है, बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हमने आईडी से यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया है, आईडी हमने दे दिया डेमो। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर हम एक्स एम एल एच टी टी पी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उस ऑब्जेक्ट को हम इस रेफरेंस में एक्स एच टी टी पी रेफरेंस में मेनटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोड में हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो सर्वर है वो रेडी स्टेट में है और अवेलेबल स्टेट में है, या उसका स्टेटस अवेलेबल है। अगर है तो हम ये फंक्शन कॉल करेंगे और बुक्स डॉट एक्स एम एल को मेमोरी में लोड कर लेंगे। जब हमने मेमोरी में लोड किया बुक्स डॉट एक्स एम एल को, तो उसका जो स्टार्टिंग रेफरेंस था वो एक्स एम एल डॉक में मेंटेन हो गया। अब एक्स एम एल डॉक जो है हमारे बुक्स डॉट एक्स एम एल के डॉम ट्री को रेफर कर रही है, और उस डॉम ट्री के अंदर मैं लिखता हूँ डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम बुक। इसका मतलब जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी एक्स में आ जाएं। तो अगर मैं बुक्स डॉट एक्स एम एल को रेफर बैक करूँ तो आप देख सकते हैं कि चार बुक्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, यानी चार बुक्स के टैग्स हैं। तो इधर बेसिकली एक्स में अरे रिटर्न होगी चार बुक्स के स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स की। और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर एच टी एम एल। इसका मतलब डॉक्यूमेंट जब मैं लिख रहा हूँ तो करंट डॉक्यूमेंट, उसमें हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट सर्च कर रहे हैं डेमो, जिसका आई डी डेमो है। तो ये देखेंगे यही एलिमेंट है, उसका आई डी डेमो है। उसके इनर एच टी एम एल में हम असाइन कर रहे हैं X0, तो इसका मतलब पहली बुक डॉट गेट एट्रीब्यूट, उसका एट्रीब्यूट कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं बुक्स बुक्स में बुक का एट्रीब्यूट है कैटेगरी, ये भी आप देख सकते हैं इसमें भी कैटेगरी है। तो यहाँ पर उसका पहली बुक जो है उसका एट्रीब्यूट कैटेगरी जो है उसको हम आउटपुट करवाना चाह रहे हैं। तो इनफैक्ट आप देख सकते हैं कुकिंग, तो उसके बाद आप देखें X0 डॉट रिमूव एट्रीब्यूट कैटेगरी, और इसे डिस्प्ले करवाने के बाद जो है हम इसे रिमूव कर देंगे और फिर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी डेमो डॉट इनर एच टी एम एल X0 डॉट गेट एट्रीब्यूट कैटेगरी। अब हम दोबारा से यानी रिमूव करने के बाद दोबारा से उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो देखें क्या आउटपुट आती है। तो इस फाइल को जब हम मोजिला में ओपन करते हैं तो पहली दफ़ा उसने देखें उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, रिमूव नहीं हुई थी, तो कुकिंग आ गई। लेकिन जब हमने रिमूव का फंक्शन कॉल किया तो रिमूव एट्रीब्यूट का फंक्शन कॉल किया तो वो डिलीट हो गई थी, और जब दोबारा रेफर की
تو وہاں پر نل آ گیا. اٹ مینس کہ اس ٹری اسٹرکچر میں یہ جس کو میں ریفر کر رہا ہوں, یعنی پہلی بک کا جو اسٹرکچر موجود ہے یا پہلی بک کا آبجیکٹ جو موجود ہے, اب اس میں کیٹیگری کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو وہاں پر نل ریٹرن ہو گیا. ان فیکٹ ہمیں یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ اب اس ٹیگ میں اس نام سے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ابھی ہم نے ڈیمو دیکھا ریموو ایٹریبیوٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ایک ایٹریبیوٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو میتھڈ تھا ریموو ایٹریبیوٹ, اسپیسیفک میتھڈ تھا کہ جو کہ ایٹریبیوٹ کو ہی ریموو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل کو لوڈ کیا ایکس ایم ایل ڈاک میں, اس کے بعد گیٹ ایلیمنٹس بائی ٹیگ نیم سے ہم نے تمام کے تمام بک نوٹس کو گیٹ کر لیا, اور اس کے بعد سب سے پہلی والی جو بک تھی اس کو ہم نے ریفر کیا زیرو انڈیکس سے, اور اس کے گیٹ ایٹریبیوٹ کیا, اور ایٹریبیوٹ میں ہم نے نام مینشن کیا, اس کی ویلیو کو ایکسیس کیا, اور اس کے بعد ہم نے ریموو کیٹیگری ریموو ایٹریبیوٹ, اور اس میں ہم نے سنگل کوٹس میں مینشن کر دیا اس کا نام. تو اس بک کے اندر جو بھی ایٹریبیوٹ تھا اس نام کا, اگر وہ تھا تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا, اور اس کے بعد ہم نے جب اسے دوبارہ سے ریفر بیک کیا اور تو وہاں پر نل لکھا ہے. اٹ مینس کہ پہلے وہ ٹری میں ایگزسٹ کرتا تھا تو اس کی ویلیو بھی تھی, اور جب دوسری دفعہ جب ہم نے ریموو کرنے کے بعد اسے ایکسیس کیا تو وہ انفیکٹ نہیں تھا, تو وہاں پر اس کی ویلیو کے بجائے نل ڈسپلے ہوا.